हम लोग यह बचपन से पढ़ते देखते सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है। अब यह स्टेटमेंट जो है ऐसे ही नहीं दिया गया। अगर गौर किया जाए ना तो भारत के अंदर विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न प्रकार का त्यौहार जो है लगभग हर एक महीने मनाया जाता है। मतलब पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार कहीं ना कहीं मनाया ही जाता है। ऐसे ही एक त्यौहार के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि भारत के कुछ राज्यों में मुख्य रूप से मनाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। इन सभी राज्यों में इस त्यौहार को मुख्य रूप से मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम तो संभवतः आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग इस वीडियो में गुड़ी पड़वा या फिर जिसे कि कुछ राज्यों में युगाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस फेस्टिवल के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे मेरे साथ क्योंकि इस वीडियो में आपको इस त्यौहार से जुड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है कि त्यौहार होता क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है, लोग इस दिन क्या क्या करते हैं, इन सभी और इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अभी तक आपने कहा चल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चल को सब्सक्राइब करके बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऑन टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुड़ी पर्वत जो है वो एक बहुत ही खास त्यौहार है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसके अलावा भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ और राज्यों में भी मनाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पर इन राज्यों में यह गुड़ी पर्वत जो है वो युगाड़ी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत महीने के पहले दिन हर वर्ष इस त्यौहार को यानी गुड़ी पर्वत को या फिर बोल सकते हैं युगाड़ी फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इस त्यौहार को बसंत मौसम के आगमन का प्रतीत भी माना जाता है। और भारत में जितने भी मराठी हिंदूज हैं या फिर मराठी और कोंकणी हिंदूज हैं उनके लिए यह त्यौहार जो है वो नए वर्ष के आने का प्रतीत होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी गुड़ी का मतलब होता है भगवान ब्रह्मा के झंडे का प्रतीत और परवा का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ द फेज ऑफ द मून। और यही शायद कारण है कि गुड़ी पर्वा के दिन लोग जो हैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों के बाहर गुड़ी को लटकाने का काम करते हैं, यानी लॉर्ड ब्रह्मा के झंडे को लटकाने का काम करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया था, यानी पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। और यही कारण है कि लॉर्ड ब्रह्मा को यानी भगवान ब्रह्मा को इस दिन पूजा जाता है। और शायद यही कारण है कि गुड़ी पर्वत को भारत के कुछ राज्यों में यूनिवर्स के क्रिएशन का पहला दिन भी माना जाता है। अमूमन लोग इस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, डिलीशियस खाने बनाते हैं, खाते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे कि लोगों को यूनिवर्स के क्रिएशन का पहला दिन को इन्जॉय करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।